गाइस वेलकम बैक टू बिक्रम टू, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि अभी लगातार मैथ का वीडियो ला रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग एसएससी सीएचएसएल का इंग्लिश भी वीडियो लाएंगे, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन में आपको देख रहा होगा कि एक कंटेनर समान रूप से कितना घंटे में भर जाता है जी? 5 घंटे में। कितना भर जाता है? ए मान लेते हैं वो भरने वाला है तो 5 घंटे में भर देता है, कोई दिक्कत। फिर इसमें रिसाव के कारण 6 घंटे समय लगता है, मतलब एगो रिसाव वाला भी बी मान लो, कितना घंटे लग जाता है? 6 घंटे। तो कंटेनर भरा हुआ है तो रिसाव कितना समय खाली करेगा, बस ये निकालना है। 5 × 6 = 3 कितना? 30। ये कितना? 6। ये कितना? 5। तो 30 घंटे में खाली करेगा, आंसर हो गया। यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5 में 6 जला जाएगा तो -1 होता है खाली करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, जो बच्चे लगातार हमारा वीडियो को फॉलो किए होंगे उसको हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ में आ रहा होगा एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम आसानी से बना लोगे। कौन सा पेय शरद ऋतु में लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो शरद ऋतु में देखो सबसे ज्यादा कौन पसंद किया, देख लो किसको ज्यादा पसंद किया है जी? 25, 32, 40, 50, तो सबसे ज्यादा डी को पसंद किया क्या? तो 2 नंबर का आंसर भी यू ही देखते हुए आराम से बनाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोला प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा? 2 संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल 1 ना हो जाता, उन दोनों संख्याओं का योग को 44 से विभाजित करना। अरे भाई ये 2 संख्याओं का 44 है, देखो 44 से विभाजित करने पर 11 शेषफल 11 पहले जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 55। यही हमारा संख्या है अभी। दूसरा में 44 से करना और 38 शेषफल आ जाना, मतलब 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 3, 7 × 8 = 82, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया? 55 और 82 कितना होता है? 5 × 2 = 8, 5 × 2 = 8, 5 × 13 = 137। 44 से भाग देना तो बोलता शेष कितना होगा, तो कितना होता 44 × 3 = 132, तो 5 शेषफल हो गया आंसर। देखो कुछ नहीं हो है, खाली सोचना है बनाना है, क्या है कि नहीं? और एग्जाम में घबराना नहीं है, हर एक चीज से मुकाबला तुम कर पाओगे, ठीक है। हर एक चीज से मुकाबला कर पाओगे अगर दिमाग सही है। बोला कि देखो कैसे कोई भी चीज निकलता है, तो एक सूत्र होता था भाज्य बराबर, याद है? भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और जोड़ शेष, यही तो होता है। तो हम यहाँ पे भागफल हमेशा 1 मानते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं भागफल हमेशा 1 मानते हैं, ताकि हमको कोई भागफल दिया ना जी, दिया रहेगा तब तो गुना करेंगे, लेकिन भागफल हमेशा 1 मानते हैं, ताकि भाजक जो है जिससे भाग देते हैं वही आ जाता है, प्लस कर देते हैं, तो वही हमारा संख्या हो गया। ये भी संख्या में दोनों को जोग करके 44 से भाग दिए, ठीक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो घर में खुद प्रैक्टिस भी तो करें, आएगा तो जरूर एक दिन। ऐसा थोड़े ना कि नहीं कहीं भाग जाएगा तुमसे, ये भागने वालों में नहीं है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। एक दशक में इतना हो गया ना जी, एक दशक शहर की जनसंख्या कितना से कितना हो गया? 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 वार्षिक औसत वार्षिक वृद्धि दर हमारा निकालना है जी। औसत वार्षिक वृद्धि दर मतलब समझ जाइए कि खतरनाक है ये। तो यहाँ पे आपको एक दशक में बोल दिया प्रतिवर्ष उसको वृद्धि निकालना है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि यानी एक बार ये हम निकाल दें कितना बढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग काम करते। तो सीधे इसको भाग डिवाइड कीजिए जो होगा, ठीक है। ये कितना है? 2,62,500 और नीचे में कितना है जी? 1,75,000 यही सुनना और ये सुनना, कट कर देते हैं क्या 5 से पहले दोगे कि 25 से हमको लग रहा है चल जाएगा, 25 × 7 = 175 ना जी, और 25 से कम 25, 25 × 5 = 105 फिर जाएगा ये 14 बार में, ये 5 × 2 = 21 बार में, ये 7 से 7 = 21, 7 × 14 कितना वृद्धि दिख रहा है? 1 का वृद्धि दिख रहा है, और
किसने में दो में, इसलिए 100 पे कितना टोटल वृद्धि है 50%, कितना है 50%, ये दशक वृद्धि है तो 10 से भाग दे देंगे तो वार्षिक वृद्धि कितना है 5%। ठीक है, समझ में आ गया होगा आराम से, और आंसर भी मिलाते जाएंगे ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो, फटाफट आंसर मिलाते हुए जाएंगे। तो हम लोग सीधे दशक वृद्धि निकाल दिए कि 10 साल में कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा 5% बढ़ा होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, जहां पे दिक्कत हो ना टोक दिया करो, टोकने से बहुत अच्छा होता है। टोकने से क्या होता है कि सही पता चलता है, बाद में टोका टोकी नहीं अच्छा लगता है। जो भी बात होता है तुरंत बोलो, मुंह पे बोलो, बाद में नहीं बोलना चाहिए। तो अभी हम लोगों को बोल रहा है, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री वर्ग इतना इतना दिया, 3 प्रकार का छूट योजनाएं दिया हुआ, बढ़िया बढ़िया बात है। तो बोलता है सबसे अच्छी योजना हमारे लिए, सबसे अच्छी योजना जिसमें ज्यादा परसेंटेज छूट मिले, तो पहला वाला में छूट उसको मिल रहा 20 और 12, तो 20 प्लस 12 ये पहला वाला है कंडीशन, और -20 × 12 और बटे 100, तो 32 में हमारा चल गया, एक कटा दो खाली, तो 32 में 2.4 चला गया, कितना हो गया 29.6 रहने दीजिए। दूसरे का बताइए, 25 और 7 होगा क्या, 5, 25 और 5 पांच दिया, 25 प्लस 5 और -25 × 5 और बटे 100, 30 में 1.25 चला गया, कितना हो गया बताइए, 28.75। श्योर ना, लास्ट वाला में देख लीजिए, 30 और 3 दे रहा है, तो 30 प्लस 3 और -30 × 3 और बटे 100, तो एक कट जाएगा तो जाएगा 33 में 0.9 चल जाएगा, 32.1। अरे सबसे बढ़िया छूट यही वाला है। ठीक है, हमको केवल योजना 3 चाहिए जी, और कौन योजना में चाहिए हमको, ग्राहक के लिए, हम ग्राहक है ना, कस्टमर है, तो बाबू सबसे बढ़िया यही है, हम छूट इतना दे रहा है, बाकी में तो गड़बड़ दे रहा है। सबसे खराब योजना अगर बोलता ग्राहक के लिए तो क्या हो जाता, ये वाला होता 25 और 5 वाला है कि नहीं, ऐसे भी दिख रहा था। मिटा दे, मिटा दे घर। अब कौन सूत्र यूज किया पता चला ना जी, एकल छूट का यूज किया, एकल छूट यूज किया पता चल गया, एकल छूट मतलब a+b - ab और 2200, एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हैं कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है, होता है तो हम लोग काम का काम, हमारा काम यही है अच्छा से अच्छा वीडियो देना, अच्छा से अच्छा तुम लोग को जानकारी देना, और उसके बाद ठीक हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है AB = QR, अरे बाबू त्रिभुज दो पहले बनाओ, ABC बनाओ, ABC और त्रिभुज PQR बनाओ, यही ना, AB के बाबू AB = QR, ये देखो यहाँ पे ये AB है और यहाँ QR है, ठीक है, इसका नाम ऐसे दो बने, इसको AB कर दो, AB और ये दे दो C, AB तो ये QR, आगे बढ़ो। अब है BC = PR, BC किधर है, BC = PR एकदम सेट किया, उसके बाद CA = PQ हो गया। अब बोलता है भैया कौन सा त्रिभुज किसके किसके बराबर होगा, यही ना, तो लास्ट वाला 4 नंबर मिल रहा है, CA, PR, CAB क्या हो जाएगा, CAB त्रिभुज, CAB समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम कैसे होता है, ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ठीक है, PRQ सर, PQR ना दिख रहा है इधर से, ना लिए सर CAB पकड़े तो PQR पकड़ना होगा, उस तरह ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, चार वाला इस तरह सर CBA अच्छा इधर से लेंगे तो ऑप्शन में रहना होगा ना, CBA CBA यहाँ पे हो जाएगा PRQ, ठीक है, अब जिस तरह रहेगा ऑप्शन उसी के अनुसार रहना होगा, हम लोग दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ ABC लेते, देखो ABC लेते तो यहाँ से QRP हो जाता, QRP, ठीक है, एक पकड़ना होगा सही, आगे बढ़ाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग फंसता है क्वेश्चन में, बहुत लोग फंसता है, तो ध्यान रखना जहां से पकड़िएगा ना उसका मैच करना चाहिए दोनों में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे बच्चों घर से घर में बनाने का,
क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तो आज हम उन लोगों को बताए थे। 5.4 का क्यूब है और इसको भी क्यूब बना दो, 0.4 का क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये देखो, जब नीचे से कोई मतलब ये नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन का ये पैटर्न ये होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर पैटर्न पे रहता है। इसका आंसर हमेशा क्या होता है? ए माइनस बी। 5.4 में चला जाएगा 0.4, तो आंसर वहां 5 हो जाएगा आंसर। समझे? नहीं, सब पैटर्न फॉलो करता है। और आज ही हम लोग इसको बताए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, आज ही हम लोग इसको बताए। यहाँ पे रख दो, कुछ यहाँ पे रख दो। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग का यही पैटर्न फॉलो करता है, मिटा दें क्या? तो ये जब भी क्वेश्चन फॉलो करें इस तरह का ना, कुछ नहीं सोचना, माइनस वाला में माइनस कर दो, प्लस वाला में प्लस कर दो, ठीक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन है कि नहीं जी? आठ नंबर वाला भी जैसा बता चुके हैं। इसमें फॉलो करता, याद है तुम लोग को कि एक चीज बताया था तुम लोग को कि जब भी ए क्यू, सुनो, ए क्यू, हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc रहे तो a प्लस बी प्लस सी क्या रहता, हमेशा जीरो रहता है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे भी उसी तरह का फॉलो कर ही रहा है, दिया है 8, यानी सीधे लिख दें 2x का क्यू प्लस 3y का क्यू अब प्लस 4z का क्यूब, लिख सकते हैं ना, बराबर है। देखो 3 a के जगह 2x, b के जगह 3y और c के जगह 4z, 3 × 6 = 18 × 72 एक्स वाई जेड है कि नहीं? इसका मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस जैसे दिया होगा आंसर। तो इस तरह भी तो डायरेक्ट बैठ रहता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2x प्लस 3y बराबर माइनस 4, ठीक है, बुझे कि ना बुझे? अरे ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और रेगुलर फिर बोलते ना, रेगुलर कुछ भी करो करो, लेकिन मैथ जरूर बनाओ। मैथ सबसे ज्यादा आदमी को हिला के रखता है, समझे कि ना, तुमको एनर्जेटिक रखता है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ बनाना, मैथ रेगुलर बनाओ, हर दिन बनाओ, जब भी दिमाग काम नहीं करे मैथ बनाओ, मैथ दिमाग को ठीक कर देता है एकदम। जब दिमाग नहीं काम करे और जरा जाए कभी भी जिंदगी में, तो मैथ को बनाओ, मैथ से प्यार करो, मैथ तुमको द्वारा जिंदगी बना देगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, एक घन का विकर्ण दे दिया। बाबू घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, हम लोग लगा देते हैं। घन विकर्ण क्या होता है जी? घन विकर्ण बराबर था √3 × a हमारा दिया हुआ है 24, तो a बराबर कितना हो जाएगा 24/√3, इसीलिए हमारा संपूर्ण पृष्ठ पूछा है जी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग कितना बार बता चुके हैं, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² × 24/√3 और 24/√3, तो ये 3 से √3 √3 हो गया, 3 × 6 हो गया 24 × 24 = 576, 576 मतलब 1152। देखिए कैसे तुरंत एकदम फटाफट गुना किए, तेजी के साथ गुना किए, क्या जी? ठीक ठीक गुना किए फटाफट। तो देखो सूत्र भी रोज बनते ही चला जाता है, रोज एक ही सूत्र को रिपीट भी करते हैं हम लोग, कितना ज्यादा सूत्र को रिपीट करते हैं। तो एक बार अच्छा से सूत्र अगर लिख लिया जाए और उसको अच्छा से अप्लाई करने सीख जाए, तो क्वेश्चन मैथ भी हम लोग से बन जाएगा। और CHSL और MTS में हम बोलते हैं लगातार प्रैक्टिस करोगे, रिजल्ट तुम्हारे पास होगा जी। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पास ए, अब तुम्हारा दिन दूर नहीं जब तुम अच्छा से अच्छा कुछ कर लेगा तुम, क्या? अब तुम समझदार भी हो चुके हो, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब समझ गए हो। तो अब आगे बढ़ा दें 9 के बाद 10 नंबर। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर क्या कहा, जल्दी देखो 10 नंबर में क्या कहा। 10 नंबर में कहा, देखे भैया 10 कहते कहते हम लोग का लाइट आ गया, देखे कितना भगवान जी हम लोग को मान रहे हैं। बेटा तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ आएंगे, लेट आएंगे लेकिन आएंगे, आएंगे हमेशा, हमेशा सीख देता है भगवान जी हमेशा हमको। हम ये देखे हैं, हम भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, भले लोगों को हमको लगता है कि हम पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करते, अरे हमसे ज्यादा तुम लोग बिलीव नहीं करता होगा, लेकिन तुम लोग जैसा फालतू में इंजॉय नहीं करते उस तरह का, ठीक है कि नहीं जी? ज्यादातर लोग इंजॉय जो करता है उस तरह का नहीं बिलीव करता। हाँ इंजॉय करेंगे, अभी हम लोग जाएंगे तो चलिए हम लोग 10 नंबर पे हम लोग ध्यान देते हैं। भोजन और श्रम पर संयुक्त व्यय
कितना बढ़िया बोला, भजन और श्रम पर कितना 25 और सभी चार वस्तुओं पर कुल व्यय बताइए 50 दे भी दिया था का कितना परसेंट है, नहीं दिखता है जी कितना परसेंट है, 50% पच्चीस दुना 50 दू से कटाएंगे 50% कैसा रहा बताइए, फर्स्ट क्लास एक बोलते हैं राजू भैया जैसा, क्या राजू भैया का फर्स्ट क्लास है। तो 11 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 40,000 की राशि 20 दो बार 6 महीने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, छमाही है यही ना बोल रहा है, 20% का छमाही कितना होता है, 20% का छमाही जो होगा वो आधा होगा यानी हमारा 10%, ठीक है, और समय हो जाएगा 2 वर्ष 6 महीना 5 साल 2 वर्ष 6 महीना का कितना है 5 साल यानी 2 वर्ष 6 महीना मतलब 5 वर्ष, ठीक है आज अभरी बजलाएगा तू, 2 वर्ष 6 महीना का मतलब 5 वर्ष, तो चक्रवृद्धि निकालना है तो निकालो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, ठीक है तो 10 का कितना होगा, 10 का कितना होगा, 10 का कितना, 10 का कितना, अब पाला पड़ा हम लोग तो निकालो कितना होगा, 5 सुनना होगा इसका, ठीक है इतना तो हम लोग जान चुके हैं 1331, ठीक है और 100 कैसे गुना कर देंगे सीधे 1331 फिर 1362 ना जी और 1331 तो कितना हुआ 1 16 21 51 5 3 6 9 10 6 1 7 3 10 1 11 3 2 5 गलती किया क्या, ठीक लिखे 16 10 51 सही लिखे है, 16 10 51 ये कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना 6 61 0 51 बोलो ना और बटे कितना 5 सुनवा वाला 3 2 5 और कितना दिया गया 40,000 4 लाख दिया 40,000 4 सुना तो कटा दिए हम मजे में अब न कटाएंगे तो हो गया 4 ये हो गया 5 20 और 4 6 24 यहाँ पे आंसर हो गया तो हो जाएगा 2 24 420 24 420.4 ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं, देखे अगर कहा पढ़ा कितना फास्ट हम लोग पढ़े हैं है कि नहीं, मजा आ गया ना 5 साल अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए थे 4 साल तो मैक्सिमम देखे थे, अभी ऐसा हो गया 5 साल पूछ दे रहा है, 6 साल आने वाले समय में पूछ दे, तो गुना में तुम लोग टन रहो समझे कि नहीं, गुना में क्या अगर ये 6 बार करना पड़ता है 11 वाला तो ध्यान रखना 1331 में 1331 करता इस तरह न करना मिटा दे बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या कहा, 11 तो बना दिए 12 का हमारा क्या कहा, 12 नंबर में बोलता है कि एक बीकर में 2 तरल पदार्थ एक्स वाई में कितना है जी, एक्स और वाई में 5:3 है, बहुत ही बढ़िया 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, निकाल लीजिए 6 लीटर को, ठीक है अब एक्स और वाई का अनुपात कितना जाता है 5:7 प्रारंभ इसके स्थान पर वाई मिला दिया जाता है, हाँ वही होगा वही, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बना दिए, देखिए ये हम लोग क्या है 5x है और ये क्या है 3x है, 5x में कितना निकाल लिया गया है 6 लीटर कितना निकाल लिया 6, तो ये कितना बन जाएगा 5/8 5 3 8 नीचे में नीचे में क्या हुआ 3x है, 3x में कितना निकल गया 6 का 3/8 और उतना ही जोड़ दिया है भाई में, कितना रेशियो बन गया, रेशियो बन गया 5:7, अगर इस तरह का सवाल नहीं बनाया हो तो बार बार यार हम SSGD का बना रहे तो वहां पे भी आया था, तो एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए इस तरह का, बहुत इंपॉर्टेंट जितना मिश्रण निकालेगा उतना मिश्रण लिख लीजिए घटा में, ठीक है और उतना का देखना है 5/8 यहाँ पे कितना हुआ 6 और 3/8 ये 3 में घटाइए 5 में ही नहीं कि 5 दोनों में ले लेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है और उतना ही मिश्रण क्या कर दिए बी में जोड़ दिए वाई में जोड़ दिए, अब गुणा भाग करने आता है क्या, गुणा भाग करने आता है जी 5 से 5 कटाइए दो, हाई देखो 5 से 5 गया 5 गया ना जी और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 से 7x हो जाएगा ना, और 7 6 42 और 8 उधर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और हो जाएगा 18/8 -18/8 ना और प्लस 6 एक तरफ ले आओ ये हो गया 4x इधर हो गया 42/8
और 42/8 और -18/8 और +6 तो एलसीएम ले लीजिए 8। तो यहाँ पे अब इधर सॉल्व करते इधर तो गया 4x = 4x हो जाएगा 42 -18 और +48 और 8। ठीक है, कितना हो गया 4x = 50-40-90 में 18 गया, 90 में 18 गया कितना 72 बटे कितना 9। एक्स बराबर कितना 9/4 पूछा किसका है, एक एक्स का कि वाई का, बीकर में प्रारंभ में कितने लीटर तरल था, एक्स का पूछा, एक्स है 5x तो 9/4 × 5 कितना हो गया 45/4 इसी तरह दिया या दशमलव में दिया, दशमलव तो 4×4 = 11.something आंसर हो गया 11.25। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बनाने का सबसे बढ़िया तरीका हम यही जानते हैं, इसे बढ़िया हम नहीं जानते, अगर आप लोग बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा, कभी सोचेंगे कभी देखेंगे इधर उधर तो बता देंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक हम ट्रिक तो नहीं जानते हैं, बनाने का प्रोसेस ही जानते हैं, ट्रिक भी सीखेंगे अभी बार, समझे कि नहीं समझे, ट्रिक भूल जाते हैं जी, एक्चुअली अभी पढ़ते नहीं है ना, यहाँ आते हैं वही पढ़ाते हैं बस हो जाता है, उसके बाद फिर पढ़ना नहीं पड़ता हमको, लेकिन तुम लोग के साथ पढ़ेंगे थोड़ा दिन रुक जाओ और थोड़ा सा एक बार नेट निकालने दो ना, है कि नहीं, बहुत जरूरी है मेरे लिए नेट निकालना, तो नेट निकाल लेंगे उसके बाद तुम लोग पर ध्यान, अभी केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना होगा, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये वाला क्वेश्चन मतलब पैटर्न वाला है जी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दे दिया है, चार स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो भाई, तो 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा 2 tan θ cot θ सीधे लिख दें 1, इधर 1 होगा बराबर 16, तो इसी को यानी हो जाएगा 14 आंसर है, बताइए कैसे कि स्क्वायर कर दिया रे बाबू, तो 10² θ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 10² θ a² + b² + 2ab यानी 10θ cot θ मिलके 1 होता है, नहीं जानता तो 2 से दे लिख दिए, और उधर 4² 16 हो गया, 16 में 14 2 चला गया 14 हो गया, कैसा रहा, अरे इस तरह का जितना भी रहेगा ना प्राय एकदम फटाक क्लिक करेगा दिमाग में, मिटा दे रहे, सूत्र भी चाहो तो लिख देना उधर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लोग सोचते हैं पर मजबूर रहता है कि इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे वो लोग में खत्म कर देते हैं, वो लोग सोचता होगा, हमको नहीं लगता, कितना मिनट हुआ देख लेंगे तो 22 मिनट में हम लोग 14 में पहुंच गए, क्या बोलते हो तुम लोग हैं, तो 14 नंबर बोलता 2 संख्या का कितना है जी बताइए, यो कितना 17 लिख दिए आसानी से, और उसका गुणनफल कितना है, कितना 34 पक्का, हाँ सर, अच्छा 34, तो 34 तभी आ पाएगा, 34 कितना से हो सकता है, नहीं हो पाएगा, छोड़िए दूसरा तरह लगाना होगा, उनके वर्गों का तो स्क्वायर कर दीजिए ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे सब सही हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा x² + y² + 2xy और बराबर 289, यही ना पूछा है, और 2xy देवे किया 34 × 68 यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, x² + y² = 289 घटा कितना 68 ना जी, 9 में आठ गया 1, 8 में 6 गया 221 ना जी, अरे कुछ भी क्वेश्चन अब तुम लोग को भारी नहीं लगेगा, और मेहनत किया होगा तो, हम बोल रहे हैं ना तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं लगेगा, अब ठीक है, खेलते खेलते सब क्वेश्चन बन जाएगा, खेलते कूदते दौड़ते और डेट बाय डेट लिखती है फेयर करते सब चीज, स्पेशल लिख दो कि हम अभी कर रहे हैं कौन सा सेट, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सॉरी सीएचएसएल का, हम लोग का कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगा जी, और इसी को फिर रखना, फिर सालों साल ही चलते रहेगा, अभी अभी चलेगा तुम्हारे पास 10 साल तो चलेगा, 20 साल हो गया क्या तुम लोग, 20 साल हो गया तो अब 10 साल चलेगा, ठीक है, 30 साल तक ओरिजिनल ओबीसी का चलेगा और एससी का चलेगा बहुत साल, हाँ और 2 साल उसमें जोड़ देंगे 32 साल 12 साल और जोड़ देंगे 20 साल, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कितना 15 देखें, तो 15 नंबर में देखने के लिए बोल रहा है तो देख लेते हैं, बोलता है एक मशीन के मूल्य में कितना ह्रास हो रहा है 10%, तो 35,000 है कि है कि नहीं, वर्तमान में 35,000 और हर बार ह्रास हो रहा है, यानी 9/10 करके हो रहा है, ठीक है, ह्रास हो रहा है 9/10 कितना साल, 2 साल ना, 2-0 तो मामा का चल गया, गुना करने आता है 81 से 35 × 81 तो 35 का पारा पढ़ना ठीक है, 35 के पढ़ेंगे ना, 35 से कम 35 3 35 8
350 में 70 घटा दीजिए, 280 280 और 3 कितना आ गया 83, 283 50 कैसा रहा देखिए। अरे दुना भाग हम लोग भी फास्ट हो गए, मिटा दे कुछ था तो 15 नंबर हो गया, 16 नंबर हम लोग पहुंच गए देखिए। हाँ एक वीडियो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, बिलीव ना होता ऐसे कैसे हो जाता है। हाँ बोले तो वीडियो देखो तो एक ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच का दूरी कितना है, छह घंटे में तय करता, बहुत बढ़िया 13 किलोमीटर जाती घंटे, अब 13 किलोमीटर प्रति घंटा उतनी दूरी 9 घंटे में। अरे भैया डी बराबर डी लगा देंगे तो डी बराबर मतलब पहला स्पीड कितना है एस, टाइम कितना है 6 बराबर, अब स्पीड को कितना बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया 13 घटा दिया तो इसको कितना हो गया 9, तो 3 × 9 = 6, 3 × 3 = 9, 39 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया ठीक है 39 किलोमीटर। ओ दूरी पूछ रहा है इसलिए डी किसी में कर लीजिए, तो 39 × 6 कितना होता है जी, 9 × 6 = 54, 5 और 9 × 6 = 18, 5 234 किलोमीटर कैसा रहा बताइए, कैसा रहा, क्या सूत्र लगाए पता चला रे बम बम लगाए, s × t मतलब d, d बराबर d होता है, कभी d अलग तो ना, चाल को घटा दो बढ़ा दो डिस्टेंस, बोले बागवाना तक जाएंगे तो बागवाना तक चाहे तुम चाल को घटा के जाओ या बढ़ा के जाओ पहुंचना तो उतने डिस्टेंस है ना, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो विनोद, हाँ विनोद तो यहाँ कोई नहीं है, तो 17 नंबर पहुंच गए 17 नंबर, तो 17 नंबर में प्यारे बच्चों बोलता डिग्री फलना सी के 30 होने पर तो बैठाने नहीं आता है, फॉर्मूला बैठाने भी नहीं जानता, अब विद्यार्थी को क्या करवाए मतलब क्वेश्चन वो आंसर वो देता नहीं जुगाना बढ़िया होता, लेकिन तुम लोग ठीक मारो देख के पंगत इस तरह दे देता जैसे बोलता क्या आंसर वो खाली तुम्हें ठीक करना देखना है ठीक मारना है। तो 5/9 हो गया और सी का 30 होने पर निकालना, तो सी ए निकाल यहाँ पे सी दे दिया है कितना 30 और इधर हो गया एफ माइनस 32, तो 5 से कटेगा 6 = 54 और 32 कितना होता है 86 हो जाएगा आंसर, लेकिन नहीं है ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन नहीं है, क्या बात करते हैं नहीं है तो गलत है ठीक है। अब बाबू हम जो सूत्र वाम लिखेगा वही ना लिखेंगे, हम अपने मन से थोड़े लिख पाएंगे, तो ये भी खत्म हो गया। आगे 18 नंबर में देखते हैं, 18 नंबर में क्या कहा प्यारे बच्चों, एक परिवार में दो दादा दादी, अरे बाप दो माता पिता ठीक है, चार पोते पोते बहुत बढ़िया, दादा दादी कितने हैं, दादा प्लस दादी कितना 67 दुना 134 लिख दिए, माता पिता लिख देते हैं 35 माता पिता 70 ठीक है, पोता पोती के कितना लिख दे 9 × 36 पोता पोती क्या गो है, पोता पोती 4 गो, पोता पोती मिला के 4 गो है, तो 4 × 36 परिवार का औसत पूछ रहा है, तो 6 × 4 = 10 और 13 × 7 = 23 + 1 = 24 और क्या गो परिवार टोटल मिला के 2 × 4 = 8 8 × 30 हमारा औसत है, देखिए गुना भाग करवाने बोलता है जी स्पीड करो स्पीड कीजिए और स्पीड कीजिए, कितना मिनट हो गया देखना भी है 28 दो मिनट है मात्र, जल्दी करो दो मिनट स्पीड करेगा तो सभी बता देंगे हम, तो इसका मतलब 19 नंबर में बोल रहा है, 19 नंबर में कहा अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर कितना छूट देता है 15% छूट देता है, 500 अंकित मूल्य लिख दिया, 500 अंकित मूल्य 500 अंकित मूल्य दिया और 15% छूट दिया कितना में 85 यही एसपी हो गया, उधर से भी हम एसपी निकालते हैं, एक्स मान लेते क्रय मूल्य सीपी ठीक है, सीपी पे कितना लाभ मिला है 125/100 ये तो कट गया, 5 से 25 = 125 सीधे 125 से चौका कर देते हैं, तो 5 × 20 = 2 8 × 32 = 2 34 × 40 क्रय मूल्य हो गया, देखे कैसे फटाफट हो गया, देखे कैसे हो गया।